हे वो सब गाइस, तो क्या हाल चाल आप सभी के। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज की वीडियो में कंपेयर करने वाले Asus Zenfone Max Pro M1 के Android 9 और Android 10 के जो बीटा वर्जन आया है उसको दोनों को कंपेयर करने वाले हैं इस वीडियो में। और गाइस, यदि आप में से कोई Android 10 के बीटा वर्जन को ट्राई करना चाहता है तो इजिली ये प्रोसेस कर सकता है। ना तो आपको इसके लिए कोई रूट की आवश्यकता होगी और ना ही आपको अपना जो फोन का बूट लोडर है उसे अनलॉक करना होगा। और इसके लिए आपके जो सबसे बेस्ट बात है कि आपको कोई भी पीसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए आप कर सकते हैं। यदि आप जानना चाहते हैं कि कैसे कर सकते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। और गाइस, फिलहाल आप देख सकते हैं जो एंड्रॉइड 9 का वर्जन है वो आपको स्क्रीन में लेफ्ट साइड देखने को मिल रहा है, और जो एंड्रॉइड 10 का वर्जन है, जो एंड्रॉइड 10 का बीटा वर्जन है, वो स्क्रीन में आपको राइट साइड में देखने को मिल रहा है। तो गाइस, बिना किसी देरी करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं परफॉर्मेंस की, और फिलहाल परफॉर्मेंस चेक करने का सबसे बेस्ट तरीका है पबजी। यदि मैं पबजी की बात करूँ तो एंड्रॉइड 9 में मुझे थोड़े बहुत इसमें लैग देखने को मिल रहे थे, बट एंड्रॉइड 10 में इसकी परफॉर्मेंस काफी हद तक इंक्रीज हो गई है। मैं यहाँ पर ये तो नहीं बोल सकता कि जो लैग है वो बिल्कुल भी नहीं हो रहा, बट जो लैग है वो काफी हद तक कम देखने को मिल रहे हैं, और जो फ्रेम ड्रॉप है वो भी काफी हद तक मेरे को यहाँ कम देखने को मिल रही है। और इसका एक रीजन भी है कि यहाँ पर आपको एक गेमिंग की नई सेटिंग देखने को मिलती है, और यदि आपको वो इनेबल करनी है तो इसके लिए आपको डेवलपर ऑप्शन में जाना होगा। सबसे पहले आपको डेवलपर ऑप्शन इनेबल करना होगा। वो कैसे करते हैं, तो आपको सिंपली बिल्ड नंबर पे 7 टाइप टैप करना है। 7 टाइप टैप करने के साथ ही आपको जो डेवलपर ऑप्शन है वो इनेबल हो जाएगा। उसके बाद उसके अंदर जाना है, आपको डेवलपर ऑप्शन को ओपन करना है। उसके अंदर आप नीचे की तरफ देखेंगे तो आपको गेम ड्राइव प्रेफरेंस नाम से एक सेटिंग देखने को मिलेगी, इसको आपको इजीली इनेबल कर देना है। उसके बाद आपको जो पबजी है उसे गेम ड्राइव के अंदर डाल देना है। इससे रियल में आपको पबजी में काफ़ी हेल्प मिल जाती है। ओवरऑल बात करें तो एंड्रॉइड 10 में मेरे को एंड्रॉइड 9 से अच्छी परफॉर्मेंस पबजी की देखने को मिली है। इसके अलावा बात करें तो जो ऐप ओपन की स्पीड है वो भी मेरे को बेटर देखने को मिली है एंड्रॉइड 9 की कंपैरिजन में। और इसके अलावा बात करें तो जो रैम मैनेजमेंट है वो भी मेरे को अच्छा देखने को मिला है एंड्रॉइड 10 में एंड्रॉइड 9 के कंपैरिजन में। सो इजीली मैं आपको यहाँ बोल सकता हूँ कि जो एंड्रॉइड 10 है वो एंड्रॉइड 9 से कंपैरिजन करें तो काफ़ी बेटर आपको परफॉर्मेंस वाइज देखने को मिलेगा। सो गाइस, अब बात करते हैं बैटरी की। सो गाइस, जैसा कि सभी को पता है कि एंड्रॉइड 9 में जो लास्ट अपडेट आया था उसके बाद क्या हुआ कि जो बैटरी चार्जिंग स्पीड है वो काफ़ी हद तक स्लो हो गई थी, और जो बैटरी ड्रेनिंग है वो काफ़ी हद तक बढ़ गया था। बट एंड्रॉइड 10 में जो आपको बैटरी वो थोड़ा अच्छा देखने को मिला है, और साथ ही साथ जो चार्जिंग स्पीड है वो भी थोड़ी इंक्रीज हुई है। यहाँ आपको चार्जिंग स्पीड में कुछ ज़्यादा इंक्रीमेंट देखने को नहीं मिलता है, बट हाँ थोड़ा मिलता है। सो जो ना से तो थोड़ा भी अच्छा है। और गाइस, यहाँ आपने एंड्रॉइड 9 से एंड्रॉइड 10 में अपग्रेड किया है तो आपको कुछ नए फायदे भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपको यहाँ कुछ नए फीचर्स भी देखने को मिलते हैं। सबसे बेस्ट जो फीचर मेरे को देखने को मिला वो है डार्क थीम। तो हाँ, आप इजीली इसमें जो डार्क थीम है वो इनेबल कर सकते हैं, बट ये कुछ एप्स के साथ प्रॉपरली काम करता है और कुछ के साथ नहीं भी करता, तो मैं इसे एक परफेक्ट फीचर तो नहीं बोलूंगा, बट हाँ आपको यहाँ कुछ थोड़ा यूनिक देखने को मिल रहा है। गाइज, आप सभी को पता है कि जो एंड्रॉइड 9 में जब हम गेमिंग करते थे तो जो आपको हीटिंग देखने को मिलती थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, बट यदि हम इसे कंपेयर करें एंड्रॉइड 10 के अपडेट के साथ, तो भाई जो एंड्रॉइड 10 में अपडेट के बाद जो हीटिंग आपको देखने को मिलेगी तो वो आप उसके सामने आपको एंड्रॉइड 9 की जो हीटिंग है वो भाई कुछ भी नहीं लगने वाली। मतलब मुझे एंड्रॉइड 10 में काफ़ी ज़्यादा हीटिंग इशू देखने को मिले हैं, और इसका एक रीज़न भी है कि भाई अभी एक बीटा वर्जन है और इसमें काफ़ी काम बाकी है और काफ़ी काम चालू है, तो देखते हैं कि स्टेबल आने के बाद क्या आपको इसमें हीटिंग इशू देखने को मिलता है या फिर नहीं। तो गाइस, फाइनली अब बात करते हैं कि एक ऐसे रीजन के बारे में जिस सुनने के बाद मुझे नहीं लगता कि आप अपने एंड्रॉइड 9 को एंड्रॉइड 10 में अपडेट करेंगे। गाइस, वो रीजन है साउंड क्वालिटी। हाँ, मैं मानता हूँ कि आपको एंड्रॉइड 9 में भी काफ़ी सारे साउंड क्वालिटी रिलेटेड काफ़ी सारे आपको इश्यू देखने को मिले हैं, बट भाई जो आपको एंड्रॉइड 10 के बीटा में जो साउंड क्वालिटी देखने को मिलने वाली है ना, उसे आप किसी चीज़ से कंपेयर भी नहीं कर सकते। सिंपली बताऊँ गाइस, तो आप यदि गेमिंग करते हैं तो आप बिल्कुल भी इसमें गेमिंग नहीं कर पाएंगे, आपको साउंड क्वालिटी काफ़ी बेकार देखने को मिलती है। इसके अलावा बात करते हुए, यदि आप गाने सुनने के शौकीन हैं तो आप वो शौक भी आप अपने इसमें पूरा नहीं कर पाएंगे। यदि आप कोई महंगे हेडफोन यूज़ करते हैं तो भी आपको इसमें कोई भी फर्क देखने को नहीं मिलने वाला, चाहे हेडफोन 4,000 के हो या फिर 4,00,000 के। सो गाइस, अब बात करते हैं कि मेरा ओपिनियन कैसे रिलेटेड कि आपको अपडेट करना चाहिए एंड्रॉइड 9 को छोड़कर आपको एंड्रॉइड 10 के बीटा में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है, मतलब आपको बिल्कुल भी अपडेट नहीं करना है। उसका रीजन काफी सारे रीजन है। एक तो इसमें आपको पता है कि काफी सारे बग्स वगैरह हैं। मैं डेली जब भी यूज करता था बीटा को तो मेरे को एक या दो बग डेली देखने को मिलते थे। इसके अलावा जो साउंड क्वालिटी है वो भी काफी बेकार हो गई है। एंड्रॉइड 9 से एंड्रॉइड 10 में बीटा में गया तो काफी बेकार हो गई है। यदि आप गेम प्ले करते हैं, जिनमें मान लीजिए आप पबजी खेलते हैं या फिर कोई और गेम खेलते हैं,
तो आप वो गेम इसमें बिल्कुल भी नहीं खेल सकते, ऐसे साउंड क्वालिटी के साथ तो बिल्कुल भी नहीं खेल सकते। तो गाइस यदि आप चाहे तो मतलब इसे आप यूज करके देख भी सकते हैं। इसके अलावा बात करें तो साथ में आपको डाउनग्रेड की फाइल दी जाती है, वो काफी अच्छी बात है। इससे क्या है कि आप ट्राई कर सकते हैं, एंड्रॉइड 10 का बीटा आप यूज कर लीजिए कुछ दिन। बात करें कि मान लीजिए आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है बीटा में, तो आप फिर से वहां से डाउनग्रेड भी कर सकते हैं। सो गाइस ये जो प्रोसेस है वो काफी ईजी है, कोई भी बंदा कर सकता है। यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा यदि बात करें तो डाउनग्रेड की आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मेरा ये वाला वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। और यदि आपको Asus ZenFone Max Pro M1 का जो Android 10 का बीटा वर्जन है उसका आपको फुल रिव्यू चाहिए तो आप मेरे नीचे वाला वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। सो गाइस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में अगले किसी टेक या टेक न्यूज के साथ। तब तक के लिए पीस आउट।